भारत के उत्तराखंड नैनीताल का सबसे सुप्रसिद्ध वादियों में से एक यहाँ पर स्नो व्यू पॉइंट है, जहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटी चीज़ें, उनके द्वारा बुने गए टोपियाँ, अरे दिल बनाया गया, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जो एक्टिविटी हैं, एडवेंचर पार्क टाइप का, और बहुत सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के जरिए देखने को मिलेगी। हेलो गाइज, एक और न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो गाइज, आज मैं अपने दोस्त के साथ स्नो व्यू पॉइंट जाता हुआ, यहाँ से स्नो व्यू पॉइंट जाऊँगा, नैनीताल स्नो व्यू पॉइंट। तो मैं अभी ठीक यहाँ पर जो कि मॉल रोड पे खड़ा हूँ, अपर मॉल रोड पे खड़ा हूँ। ये देखिएगा गाइज, आज संडे का दिन है, सुपर संडे बनाएंगे दोस्त के साथ। तो मैं आगे बढ़ता रह रहा हूँ, क्योंकि वो सीधे इंडिया होटल पे आएंगे, इंडिया होटल से ही सीधे जहाँ से जू के लिए भी जाया जाता है, और वहीं से स्नो व्यू पॉइंट के लिए भी जाएंगे। तो वहाँ पर मेन अड्डे पे जाके ही मुलाकात करता हूँ। तो देखिएगा गाइज आगे को। तो गाइज, हम स्नो व्यू पॉइंट को यहीं से जाएंगे। देखिए, जू शटल सेवा 2020 और 22 जू जाने हेतु प्रति व्यक्ति जो कि किराया इसमें 59 रुपीज़ होता है, जो कि आपको भी दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर पूरा प्लेट लगा हुआ है, तो उसमें पूरा किराया उग्रह पूरा विवरण दिया गया है। तो गाइज, उसके बाद ये मॉल रोड उग्रह, यहाँ पर बहुत सारे पर्यटक घूमते हुए। तो गाइज, इसी बाइक में जाएंगे हम स्नो व्यू पॉइंट। तो देखिएगा गाइज, अंत तक हम स्नो व्यू पॉइंट को चले गए हैं राडा जी के साथ, जो कि पुलिस में कार्यरत हैं, आज इनकी संडे को छुट्टी है। बट स्नो व्यू पॉइंट की जो चढ़ाई है ना, बहुत ज़्यादा तेज चढ़ाई है। ये देखो आप लोग, पूरी खड़ी चढ़ाई, कहीं कहीं पर तो इतनी डेंजरस चढ़ाई आ रही है कि पकड़ना पड़ रहा है। हम अंत तक यहाँ पहुँच गए हैं स्नो व्यू पॉइंट। यहाँ पर टोपे उग्रह बुने जाते हैं पहाड़ी स्टाइल में। ये देखिएगा इनकी मेहनत पे, आप लोग यहाँ पर आए हैं, और टोपी उग्रह फेमस टोपी, बड़े गर्म होते हैं ये, क्योंकि हम यूज़ करते हैं इन चीज़ों को, और बहुत टाइम लगता है इस चीज़ को बनाने में। बहुत अच्छा, मतलब एक कुमाऊनी कंचप्पा बना रही हूँ। ये क्या हुआ का? कंचप्पा स्कार्फ। अच्छा, स्कार्फ होता है ये। हाँ। कंचप्पा कानों को लपेट वाला, लेडीज वाला है, लेडीज वाला है ये। हाँ। और ये दस्ताने उग्रह नहीं, ये क्या है? अंगूठे वाला मोजा। अच्छा, ये अंगूठे वाला मोजा है, ये सॉक्स हैं जो कि दस्ताने भी बना के रखे हैं। ये स्नोपी पॉइंट है ये जगह का नाम। तो आप आइएगा यहाँ, मैंने बना रखे। ये देखिएगा कितने मेहनत से और कितने अच्छे बने हुए हैं। टाइम लगता है इसे बनाने में, कितना टाइम लग जाता होगा? बहुत टाइम लग जा रहा है। मतलब कितने घंटे? इसको हम दो दिन में बना रहे, एक दिन में एक। एक दिन में एक? और है कितने का ये? ये हमने लगा तो 200 का रहा, जो जितना दे जा रहा है, 150 भी दे जा रहा है, 100 भी दे। तो गाइस, कम से कम ये 500 के होने चाहिए, कम से कम, क्योंकि इनकी इतनी मेहनत लगती है। आजकल आप देख रहे हो कि 600 रुपये से दिहाड़ी कम नहीं है, बट ये लोग इतनी मेहनत से बना रहे हैं, फिर कपड़ा लाना भी हुआ और पूरा दिन भी जाता है। तो आप लोग आइएगा और इन लोगों के मेहनत पे थोड़ा फूल बरसाइएगा। और बहुत अच्छी कलाकारी यहाँ पे, ये देखिएगा मंदिर के सामने में, यहाँ पर देव मंदिर स्नो व्यू पॉइंट है, श्री देव मंदिर स्नो व्यू पॉइंट पे है, और उसी के सामने ये दुकानें लगी हुई है। राणा जी भी आ चुके हैं, चलो व्यू पॉइंट देखते हैं गाइज, वहाँ जाके मिलते हैं। ये देखिएगा गाइज, स्नो व्यू पॉइंट से आपको स्नो दिखाते हुए, बर्फ की पहाड़ियाँ और हिमालय दर्शन दिखाते हुए। ये देखिएगा पूरा हिमालय दर्शन, अब बर्फ ही बर्फ, बर्फ की चट्टान, और ये धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद और ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएगी बर्फबारी, और यहाँ भीड़ भी अच्छी खासी होती हुई। तो गाइज, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, और अगर चैनल में नए नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। पूरा गाड़ी आड़ी बच्चों का भी ना एक्टिविटी, उस टाइप की एक्टिविटी है। पार्किंग क्या बोलते हैं, इधर एडवेंचर है। हाँ, यहाँ एडवेंचर का एडवेंचर पार्क, उधर से घूम के राउंड में लेते हैं, 5-10 मिनट वहाँ बैठते फिर चलते हैं। बस बस बस, वैसे चलते फिरते घूम लेते हैं, फिर चले जाएंगे। गाड़ी वगैरह चलाते हैं पूरे ये जो कि यहाँ से इस टाइप से। तो यहाँ पर कुछ टूरिस्ट लोग भी आते हुए नैनीताल में आए हुए हैं। अरे वैसे ही तो है जैसे हम करते थे। पूरा आगे तक एडवेंचर पार्क का है, और आगे से और हिमालयन दर्शन और अच्छा लगता है। हेलो सर, ये एडवेंचर पार्क का है, बट अभी गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं, एक्चुअली में यहाँ गाड़ियाँ चलती रहती हैं।
यह है गाइज एडवेंचर पार्क का नमूना, बहुत जबरदस्त एडवेंचर होता है इसमें। तो गाइज हम आ चुके हैं यहाँ जो कि स्नोबी फ्रंट की मेन मार्केट है। ये देखिएगा अधिकतर यहाँ कपड़े उग रहे हैं और कुछ रेस्टोरेंट उग रहे हैं, खुले हुए हैं। तो यहाँ कहा जाता है कि गोल मार्केट, क्योंकि ये गोल टाइप की मार्केट है। पूरा आगे आगे की तरफ हम बट पूरा नहीं जाएंगे, पूरा मार्केट नहीं घूमेंगे। तो गाइज ये देखिएगा यहाँ से नैनी लेक दिखती है, जो कि थोड़ा पेड़ पौधों की वजह से कम दिखती है। यहाँ पर टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा मात्रा में आए हुए हैं। स्नोबी पॉइंट जैसी जगह में कौन ना आए, सबसे सुप्रसिद्ध जगह है ये नैनीताल की। स्नोबी पॉइंट घूम चुके हैं तो राणा जी लगभग पूरे ही घूम चुके हैं, बहुत सारी एक्टिविटियाँ हैं यहाँ, है ना? लगभग वही गया था, सब पॉइंट कवर कर ही लिया हमने। एक दो पॉइंट और हैं ऊपर को, ऊपर को आया बट वो बाद में देखेंगे, क्योंकि वो नैनीताल दर्शन जो लोकल साइट सीन उग्रह में आता है तो उसमें आता है। तो गाइज उससे फिर हम अलग से दिखाएंगे, तो फिर मिलते हैं बाद में। तो गाइज हम चले यहाँ से नीचे को, ये देखिएगा ट्रॉली। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।